वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल चिल्ड्रन। मुझे इतने सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, बच्चे टेंस चल रहे हैं, सर हम परेशान हैं, और कुछ बच्चे बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हैं, और सर हमें मार्क्स कैसे मिलेंगे, बेस्ट ऑफ ईदर टर्म्स लगेगा, वेटेज क्या रहेगी। तो यहाँ पे CBSE ने सबसे बड़ी खुशखबरी तुम्हारे लिए निकाल दी है, जो बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, ऑफिशियल बात करूंगा, क्योंकि CBSE सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी जी खुद सामने आए हैं और उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा है, कैसे आपको मार्क्स मतलब भर भर के मिलने वाले हैं, सारी बात बताने वाला हूं। और जिस बच्चे ने इस वीडियो को पूरा देख लिया, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूंगा, मुश्किल से 4 मिनट का, आप मुझे लास्ट में थैंक यू बोल के जाओगे कि आपने जो बातें बताई हैं सर ऑफिशियली जो CBSE की तरफ से आई हैं, ये सुन के मेरा दिल खुश हो गया, मेरा मन बन गया। वीडियो को अभी से कर दो लाइक, और यार एक सब्सक्राइब तो बनता है तुम्हारे लिए, हर अपडेट लेके आ रहा हूं, बहुत जल्दी जल्दी कर दो सब्सक्राइब। सो पूरा वीडियो शुरू करते हैं छोटे से अपडेट के बाद। कोई क्वेश्चन हो या किसी प्रकार का डाउट, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, बोर्ड हो या चाहे जेई नीट, पढ़ाई संबंधित अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, तो डाउनलोड करें फ्लो ऐप को। इस ऐप का डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बाकी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा, एंड उसके बाद फिर आपको अपने नंबर से इसका साइनअप करना होगा, एंड उसके बाद अगर आपको पढ़ाई संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएँ आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है, तो जस्ट सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का या उस सवाल का फोटो क्लिक करना है, एंड उसके बाद उसको अपलोड करना है। मात्र 60 सेकंड के अंदर अंदर पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार कैसे होगा, ठीक है। तो डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चिल्ड्रन आखिर मामला क्या है और क्यों है ये एक एक्साइटिंग न्यूज? चिल्ड्रन देखो, अभी तक हम CBSE से रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैं हर वीडियो में आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, और मैं दूसरे यूट्यूबर से भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज CBSE को टैग करो, इस साल वाले बच्चों को, इस साल जो 10th और 12th वाले बच्चे हैं उनको जस्टिस दिलवाओ। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी राहत सामने दिखाई दे रही है। खुद CBSE के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी जी ने सामने आके अपना स्टेटमेंट दिया है और बताया है कि इस बार तुमको मिलने वाले हैं भर भर के नंबर। क्यों कैसे? तो चिल्ड्रन मैं पूरी मामला बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने नोटिस किया इस साल इस बार टर्म वन की तरह टर्म टू में कोई गलतियां नहीं हो रही। टर्म वन में आपको पता है हर रोज कभी इतना हार्ड पेपर आ रहा था, कभी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहे थे, कभी क्वेश्चन ही गलत आ रहे थे, क्वेश्चन कुछ है उसका ऑप्शन जो दिए हैं वो ऑप्शन ही गलत है। क्या आपने इस बार ये चीज़ फील करी कि आपका चाहे इंग्लिश का पेपर हुआ हो, मैथ्स का पेपर हुआ हो, साइंस का पेपर हुआ हो, सोशल साइंस का पेपर हुआ हो, कोई पेपर हुआ, इस बार एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया, इस बार एक भी क्वेश्चन गलत नहीं आया, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें CBSE इस बार मेक श्योर कर रही है कि हमारी तरफ से कोई भी गलती ना हो। अब अनुराग त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं कि इस बार हमने जो आपका पेपर सेलेक्ट किया है उसमें क्लास 10th में 30% और क्लास 12th में 20% हमने क्रिएटिव क्वेश्चंस डाले हैं। अब तक क्या होता आया है कि अब तक आपने सुना होगा स्कूल में जो मैम या सर होते हैं, केवल वही आंसर लिखना जो मैंने कॉपी में लिखवाया, नहीं तो नंबर काट लूंगी। प्लीज़ मुझे ये वाली बात कमेंट सेक्शन में बताना, वैसे तो मुझे बहुत सारे बच्चे बताते हैं, क्या तुम्हारे स्कूल में भी ये वाली बात कही गई है? वही, मुझे तो वही 4 लाइन चाहिए, टीचर अक्सर ये कहते हैं जो मैंने तुम्हें लिखवाई है। तो इस बार CBSE ने खुल के मना कर दिया। CBSE कह रही है, अनुराग त्रिपाठी जी कह रहे हैं जो सेक्रेटरी हैं, कि हम ये चाहते हैं कि बच्चा बस कॉन्सेप्ट को समझे और रटे रटाए आंसर ना लिखे, अपने वर्ड्स में लिखे। और चिल्ड्रन जितना तुम अपने वर्ड्स में लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स तुम्हें मिलने आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद एक चीज और बता दूं, क्या नाम है, CBSE जो एग्जाम कंट्रोलर है संयम भारद्वाज जी ने, उन्होंने खुद लाइव वेबिनार किया है, और लाइव वेबिनार में उन्होंने खुद ये वाली बात बोली है कि इस बार हम जो कॉपी करेक्शन करवा रहे हैं, मुझे पता नहीं है भाई तुम्हारे मन में कौन यूट्यूबर, कौन सी वीडियो तुम देख रहे हो जो तुम्हारे मन में ये वाली बात डाल रहे हैं बार बार कि बहुत हार्ड पेपर है, बहुत हार्ड चेकिंग होगी, बहुत ये होगी। भाई तुम्हें पहले भी बता रहा हूं और दोबारा बता रहा हूं, जो कॉपी करेक्शन है बहुत ईजी हो रहा है, लीनियंट हो रहा है, लेकिन दोस्त एक चीज को जरूर फॉलो कर लेना, स्टेप मार्किंग हो रही है। बार बार मैं बता रहा हूं, हर वीडियो में बता रहा हूं, तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में एक वर्ड आता हो, एक लाइन आती हो, दो लाइन आती हो, मतलब उसे खाली छोड़ के मत आओ। अब यार तुम कॉपी ही खाली छोड़ के आओगे तो क्या मैं कर लूंगा, क्या दूसरे जो तुम्हारे फेवर में खड़े हुए हैं लोग वो कर लेंगे, और क्या तुम्हें CBSE कर लेगी? ना तुम्हें ग्रेस मार्क मिलेगी, ना तुम्हें मॉडरेशन पॉलिसी मिलेगी। और चिल्ड्रन एक चीज और बता दूं, तुम्हारा नेक्स्ट पेपर हिंदी का है, हिंदी का पूरा सिलेबस
बना दिया है, उसका वीडियो में लिंक जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वो जरूर देख लेना। जॉर्ज पंचम की नाग, माता का आंचल, ठीक है, जितने भी सारे चैप्टर्स हैं, कोर्स भी सबके लिए आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, और इस पे भी देख लेना, ठीक है। तो बस यही है, ठीक है, स्टेप मार्किंग का ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को अपने वर्ड्स में बना के आना है, कोई भी क्वेश्चंस खाली नहीं छोड़ना है, और दिमाग से ये वाली बात निकाल दो, सर मेरी कॉपी कैसी चेक होगी, मेरे भाई बिल्कुल लीनियंट चेक हो रही है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।